ओके बच्चों, अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स स्टडी वी डिड द बच्चों ऑल द टर्म्स बच्चों, ओके ना, सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप फीस, लीगेसी, ओके बच्चों। और नाउ बच्चों, इट इज अ कैपिटल फंड। व्हाट इज कैपिटल फंड बच्चों? कैपिटल फंड इज एक्युमुलेशन अमाउंट। एक्युमुलेशन मतलब बच्चों टोटल अमाउंट। एक्युमुलेशन मतलब बच्चों टोटल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय इट्स मेंबर बच्चों ओवर अ पीरियड टाइम बच्चों। मेंबर लोग एक साल में कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे बच्चों, स्लोली स्लोली हर साल कंट्रीब्यूट करते हैं बच्चों। और जो भी आपका कंट्रीब्यूशन हो रहा है बच्चों, उसको आपने एक्युमुलेट किया गैदरिंग बच्चों, और वो अमाउंट को क्या बोलते हैं बच्चों? कैपिटल फंड। कैपिटल फंड इज एक्युमुलेशन अमाउंट ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड बाय इट्स मेंबर। मेंबर बच्चों जो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बच्चों, कंट्रीब्यूट करके बिजनेस कर रहे हैं बच्चों, जो भी आपका एक्सपेंस माइनस करके बच्चों लास्ट में जितना प्रॉफिट बच गया बच्चों, चलो इस साल का अमाउंट है, फिर अगले साल फिर प्रॉफिट हुआ रहेगा बच्चों, वो सब ऐड कर करके कितना बच गया बच्चों, दैट इज कैपिटल फंड बच्चों। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड टाइम मतलब नॉट इन द वन ईयर बच्चों, इट इज अ प्रोसेस। वन ईयर, टू ईयर, थ्री ईयर बच्चों, हो सकता है पहला साल खाली बच्चों 500 रुपये बिजनेस में कंट्रीब्यूट हुआ रहेगा, यही 500 से बिजनेस स्टार्ट हुआ बच्चों, इस साल 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया बच्चों, तो 500 मेंबर ने डाला था, 100 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा, 600 रुपये हो गया, अगले साल मैं 600 से बिजनेस स्टार्ट करूँगा बच्चों, तो दैट इज़ अ प्रोसेस। ओके बच्चों, और वो प्रोसेस के थ्रू आपने फंड एक जमा कर लिया बच्चों, दैट फंड इज कॉल्ड कैपिटल फंड बच्चों। ओके, इट इज सोन ऑन द बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। इसको कहाँ लिखते हैं बच्चों हम लोग? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। कैपिटल फंड को कहाँ लिखते हैं बच्चों? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। ठीक है बच्चों, नॉर्मली बच्चों इफ कैपिटल फंड गिवन इन द क्वेश्चन, कैपिटल फंड अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा बच्चों, देन वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है बच्चों, अपना काम आसान हो जाएगा बच्चों। बट अगर कैपिटल फंड नॉट गिवन इन द क्वेश्चन बच्चों, देन वी हैव टू प्रिपेयर द ओपनिंग बैलेंस शीट। अगर कैपिटल फंड नहीं दिया रहेगा बच्चों, तो हम लोग को दो बैलेंस शीट बनाना पड़ता बच्चों। एक होता है ओपनिंग बैलेंस शीट बच्चों, और ये ओपनिंग बैलेंस शीट बच्चों, ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब बच्चों लास्ट ईयर बैलेंस शीट। लास्ट ईयर बैलेंस शीट एंड द क्लोजिंग, आपको ध्यान रखा बच्चों, हम लोगों ने कल के जो टर्म्स किया रहेगा ना बच्चों, इन दैट आई यूज द वर्ड क्लोजिंग बैलेंस शीट रेगुलरली। क्लोजिंग बैलेंस शीट इट इज अ करंट ईयर बैलेंस शीट बच्चों। तो देर इज अ टू बैलेंस शीट होता है बच्चों, वन इज अ ओपनिंग बैलेंस शीट, अदर वन इज अ क्लोजिंग बैलेंस शीट बच्चों। ओपनिंग बैलेंस शीट मीन्स बच्चों द बैलेंस शीट ऑफ लास्ट ईयर, क्लोजिंग बैलेंस शीट मतलब बैलेंस शीट ऑफ करंट ईयर बच्चों। करंट ईयर बैलेंस शीट मतलब बच्चों क्लोजिंग, लास्ट ईयर बैलेंस शीट मतलब बच्चों ओपनिंग। ओके बच्चों, क्या करना है? तो लास्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस शीट कब ड्रॉ करना है बच्चों? ध्यान रखना है, इफ कैपिटल फंड नॉट गिवन बच्चों, देन ओपनिंग बैलेंस बनाना है। कैपिटल फंड सम आप रीड किए बच्चों, कैपिटल फंड रेडीमेड दिख रहा है बच्चों, तो ओपनिंग बैलेंस नहीं ड्रॉ करना है। इफ कैपिटल फंड गिवन इन द क्वेश्चन, देन वेल एंड गुड बच्चों, नो नीड टू ड्रॉ द ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट पिक्चर में कभी आएगा बच्चों? जब कैपिटल फंड क्वेश्चन में नहीं है मेंशन तो बच्चों। ओके बच्चों, तो इफ द कैपिटल फंड नॉट गिवन इन द क्वेश्चन बच्चों, देन वी हैव टू प्रिपेयर द ओपनिंग बैलेंस शीट बच्चों। क्या करना रहे बच्चों? लास्ट ईयर का जो भी असेट लायबिलिटी है वो ओपनिंग बैलेंस मतलब लास्ट ईयर, सो ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द लास्ट ईयर बच्चों। तो ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब बच्चों लास्ट ईयर बैलेंस शीट। ओके, और जब ये लास्ट ईयर का बैलेंस शीट बच्चों, तो इसमें डेटा भी कौन सी ईयर का आएगा? लास्ट ईयर का आएगा। तो देख लो बच्चों, जस्ट एग्जाम्पल, लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, फर्नीचर, स्टॉक, डेटा कैश था बच्चों, मैं लिख दिया हूँ। और लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग बच्चों। अब इसका टोटल करो बच्चों, 1 lakh, 2-3 lakh, 4 lakh, 5 lakh, 5 lakh 50,000 बच्चों। इस सर 5 lakh 50 आ रहा बच्चों, इस सर देखो कितना आ रहा है, 2 lakh 10,000 हो रहा है ना बच्चों, तो दैट साइड ज़्यादा बच्चों, 5 lakh 50,000। इसको माइनस कर दो जो 3 lakh 40 बच्चों, 3 lakh 40 आ गया बच्चों। इसके वर्ड बोलते बच्चों हम लोग कैपिटल फंड।
तो लास्ट है कितना था बच्चों कैपिटल फंड 340,000। ओके बच्चों, तो सम टाइम कैपिटल फंड आपको रेडीमेड दिया रहेगा तो अच्छी बात, तो फिर हम लोग ओपनिंग बैलेंस नहीं ड्रॉ करेंगे बच्चों। बट सर कैपिटल फंड अगर नहीं दिया रहेगा बच्चों देन वी हैव टू ड्रॉ द ओपनिंग बैलेंस शीट। ओके बच्चों, कैसे करेंगे हम लोग, लास्ट का ऑल द इन्फॉर्मेशन राइट ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटी बच्चों, और जो डिफरेंस आएगा वही क्या हो गया बच्चों कैपिटल फंड। ठीक है बच्चों, तो कैपिटल फंड मीन्स बच्चों द टोटल अमाउंट मेड बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंबर्स बच्चों। दिस इज नॉट अ फंड ऑफ वन ईयर बच्चों, दिस इज अ फंड ऑफ प्रोसेस, ए जर्नी है बच्चों। ओके, थोड़े थोड़े पैसे आप बूंद बूंद से घड़ा भरता बच्चों, वैसे ही थोड़े थोड़े पैसे कंट्रीब्यूट कर करके आपने अरेंज कर ले रहे बच्चों एंड दैट बिकम द बिगर फंड। ठीक है बच्चों, कैपिटल फंड का बच्चों दो पॉलिसी है, इफ़ रेडीमेड क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों तो ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं ड्रॉ करना है, कैपिटल फंड नहीं है बच्चों देन वी हैव टू ड्रॉ द ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब बच्चों द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू लास्ट ईयर, लास्ट ईयर के बैलेंस शीट को बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट एंड करंट ईयर के बैलेंस शीट बोलते हैं बच्चों क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओके बच्चों, अच्छा बच्चों नेक्स्ट क्या है, बिल्डिंग फंड बच्चों। नेक्स्ट है बिल्डिंग फंड बच्चों, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बच्चों स्टार्टिंग में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ही कर देता है। अब जैसे मारुति स्कूल सुने बच्चों, मारुति स्कूल MRDC की तरह बच्चों, MRDC स्कूल या मानव विकास स्कूल या कोई भी बच्चों के कोई एग्जांपल ले लो। ओके, तो मारुति स्कूल बच्चों बस पहले दो तीन कमरा था बच्चों, पतरे का रूम से बना हुआ आज से 20-25 साल पहले बच्चों। ओके ना, तो पतरे का रूम ही था बच्चों, लेकिन स्लोली स्लोली बच्चों उनके जो प्रिंसिपल थे बच्चों दे आर वेरी डिजायरिंग, दे हैव अ डिजायर कि मैं भी अपना भी एक अपना बड़ा हो, और धीरे धीरे बच्चों उन्होंने जो भी बच्चों के फीस आ रही है जो भी डोनेशन मिला रहेगा उसके थ्रू, और अभी उन्होंने दो माले का बिल्डिंग बना लिया है। तो ऑल बच्चों तोलानी कॉलेज बड़का कॉलेज एक ही दिन में नहीं वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर ले रहे हैं बच्चों। तो हर एक बच्चों जितने भी ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टिंग में अगर अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड ऑन अ टेंट ऑन अ रेंटल ऑफिस, या तो आप रेंट पे लिए रहोगे बच्चों या कोई टेंट जैसा बना के आप स्टार्ट किए रहोगे स्टार्टिंग में बच्चों, बट हैविंग डिजायर टू बिल्ड देयर ओन बिल्डिंग ऑफिस, लेकिन आपको डिजायर विश है बच्चों कि मेरा खुद का अपना ऑफिस और बिल्डिंग हो बच्चों। ओके बच्चों, तो हेंस दे रेगुलरली केप्ट असाइड अ पार्ट ऑफ फंड फॉर बिल्डिंग पर्पज बच्चों। तब क्या करना बच्चों, जब आपको मालूम है बच्चों कि हमें रेगुलरली मतलब अपना खुद का बिल्डिंग बनाना बच्चों, तो क्या करना पड़ेगा, पैसे जमा करना पड़ेगा ना बच्चों, इफ यू वांटेड टू बी बच्चों तो आपको पैसे अरेंज करने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो केप्ट असाइड अ पार्ट ऑफ फंड फॉर बिल्डिंग पर्पज बच्चों। अपने अपने पर्सनल लाइफ ले लो बच्चों, घर में गांव से UPBR से सब लोग घर लेके नहीं आ गए थे यहाँ पर। ओके, तो हो सकता मम्मी पापा जो आए रहेंगे तो कोई कभी चटाई के रूप में रह रहे होंगे, हम लोग तो भाई चटाई के रूप में रहे थे, चटाई का रूम भी छोड़ो बच्चों ताड़पत्री काला वाला जैसे बांध के रहते ना जो टेंट के रोड के ऊपर सब बैठे रहते, ऐसे भी हम लोगों ने जिंदगी जिया बच्चों। तो धीरे धीरे बच्चों थोड़े थोड़े पैसे अरेंज करके सेव करते जाओ बच्चों। ओके, तो ऐसे बच्चों यहाँ पे बताया, तो केप्ट असाइड अ पार्ट ऑफ फंड फॉर अ बिल्डिंग पर्पज बच्चों। तो अपने रेगुलर प्रॉफिट में से क्या करते बच्चों, केप्ट असाइड थोड़े थोड़े पैसे आप बिल्डिंग पर्पज के लिए आप अलग से जमा करके रखो बच्चों, वो फंड को ही बोलते हैं दैट स्पेशल फंड कॉल बच्चों बिल्डिंग फंड बच्चों। ध्यान रखना बच्चों पैसे आपने किस लिए अरेंज किए हो, बिल्डिंग के लिए ना, तो उस पैसे का यूज़ किसी और काम के लिए नहीं करना है बच्चों। सच फंड नेवर बी यूटिलाइज फॉर द अदर पर्पज बच्चों, दैट बी ओनली यूज फॉर अ बिल्डिंग पर्पज बच्चों, खाली इसको बिल्डिंग के लिए यूज़ करना, किसी और पर्पज के लिए नहीं यूज़ करना बच्चों। ठीक है, सो बिल्डिंग फंड ऑलवे बी सोन ऑन वेयर बच्चों क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी, वाई बच्चों बिकॉज इट इज अ स्पेशल फंड। तो बिल्डिंग फंड को कहाँ दिखाते हैं बच्चों हम लोग, क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। ओके बच्चों, स्टॉप, चलो बच्चों नेक्स्ट क्या है बच्चों, स्कॉलरशिप अवार्ड फंड। स्कॉलरशिप अवार्ड फंड बच्चों, स्कॉलरशिप सुने बच्चों तो रेगुलरली आए जो अच्छे बच्चे हैं उसको कोई बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है या कंपनी उनको फंड प्रोवाइड करता है उनकी पढ़ाई करने के लिए खर्च, तो उनका खर्च उठाता है बच्चों। सो इन द मेमोरी ऑफ द फाउंडर मेंबर बच्चों, अब बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है बच्चों, फाउंडर मेंबर मतलब बच्चों समझो बच्चों ABC ऑर्गेनाइजेशन है
एबीसी ऑर्गेनाइजेशन बच्चों, इसको मिस्टर एक्स ने स्टार्ट किया था बच्चों। अब मिस्टर एक्स का डेथ हो गया बच्चों, तो उनकी याद में आ रहे एबीसी ने क्या किया, एक्स के नाम पे एक स्कॉलरशिप अवार्ड स्टार्ट कर दिया, दैट इज कॉल बच्चों इन द मेमोरी ऑफ फाउंडर मेंबर। फाउंडर मेंबर मतलब हु स्टार्टेड द ऑर्गेनाइजेशन बच्चों, ओके। टाटा स्कॉलरशिप अवार्ड बच्चों, तो टाटा कंपनी जमशेदजी टाटा, अरे हर बच्चों जमशेदजी टाटा, तो टाटा के जो फाउंडर मेंबर थे जमशेदजी। वैसे बच्चों रिलायंस फाउंडेशन, तो रिलायंस फाउंडेशन से स्कॉलरशिप आप लोग समय है, कभी वो देखते रहोगे मुंबई इंडियंस का जब मैच होता है बच्चों, तो बहुत सारे बच्चों को लेके जाते हैं लोग मैच दिखाने के लिए, वो एक वन ऑफ द रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से, तो दैट इज कॉल धीरू भाई अंबानी जी के मेमोरी में, दैट इज कॉल इन द मेमोरी ऑफ द फाउंडर मेंबर बच्चों। और द नोबेल कॉज, नोबेल कॉज मतलब एक अच्छे काम के लिए बच्चों ऑर्गेनाइजेशन डिसाइडेड टू प्रोवाइड सम स्कॉलरशिप टू द नीडी स्टूडेंट बच्चों, ओके, एज अ सोशल कॉज। हेंस ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट सम सेपरेट फंड, तो उसके लिए बच्चों सेपरेट फंड क्रिएट करना पड़ता है टू प्रोवाइड स्कॉलरशिप अवार्ड एवरी ईयर बच्चों। तो एक फंड क्रिएट करके सो द 10 बच्चे 20 बच्चे जो भी आपका बच्चों बजट है उसके हिसाब से एवरी ईयर वी हैव टू प्रोवाइड द स्कॉलरशिप बच्चों। तो स्कॉलरशिप अवार्ड फंड क्या बच्चों, वो स्पेशल फंड है किसके लिए बच्चों, खाली वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने के लिए। कोई भी स्पेशल फंड आया तो कहाँ लिखना बच्चों, क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, सो इट विल बी शोन ऑन द क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोगों ने 3 फंड किया बच्चों, कैपिटल फंड, बिल्डिंग फंड एंड देन स्कॉलरशिप अवार्ड फंड बच्चों, ओके बच्चों। तो ऐसा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऑब्जेक्टिव टाइप के अच्छा किया पोस्टिंग के लिए भी। स्टॉप कर दीजिए ना बच्चों, देर इज सम एडजस्टमेंट। मेजॉरिटी टाइम बच्चों एडजस्टमेंट जो है अपना फाइनल अकाउंट का था बच्चों वैसे ही है, फाइनल अकाउंट का एडजस्टमेंट है बच्चों वैसे ही है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन चेंज है बच्चों, ओके। सो नॉर्मली ऑल एडजस्टमेंट आर वेरी सिमिलर टू फाइनल अकाउंट, तो नॉर्मली ऑल एडजस्टमेंट आर वेरी सिमिलर टू द फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट बच्चों, बट ओनली प्रेजेंटेशन लिटिल बिट डिफरेंट। सो ऑल द एडजस्टमेंट बच्चों हमने जो फाइनल अभी आउटस्टैंडिंग क्या किया था बच्चों, अपने आउटस्टैंडिंग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, डेबिट साइड, बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड, इसमें भी वैसे बच्चों प्रीपेड क्या कहते हैं बच्चों हम लोग लायबिलिटी साइड, और फिर कहाँ डाले थे बच्चों बैलेंस एसेट साइड, डेप्रिसिएशन लेस फ्रॉम असेट्स एंड प्रॉफिट लॉस डेबिट, ऐसे इधर पे भी बच्चों इसमें नया नहीं होने वाला कुछ। सो नॉर्मली ऑल एडजस्टमेंट आर वेरी सिमिलर टू द फाइनल अकाउंट बच्चों, बट उसका जो प्रेजेंटेशन है बच्चों थोड़ा सा चेंज होएगा, ओके बच्चों। नहीं बच्चों आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग को मैंने क्या क्या वर्ड बोला था आपको बच्चों, एरियर्स बोला था कुछ, एरियर्स, एक्रूड, प्रोविजंस, ये बच्चों ड्यू, अनपेड, पेबल, रिसीवेबल, येट टू, स्टिल टू बी, ये सब वर्ड का मतलब बच्चों आउटस्टैंडिंग है जो इस चैप्टर में आने वाला है। ज़्यादातर तो फाइनल अकाउंट में बच्चों खाली आउटस्टैंडिंग आया रहेगा, अनपेड ड्यू आता है वर्ड बच्चों, ओके, लेकिन मेजॉरिटी इस पे आएगा बच्चों, येट टू बी पे, स्टिल टू बी, रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल नहीं बच्चों, ये खाली रिसीवेबल वर्ड है,
रेंट रिसीवेबल, सैलरी पेएबल, प्रोविजंस, एक्रूड, एरियर्स, ए ऑल वर्ड का क्या मतलब बच्चों? आउटस्टैंडिंग। ओके बच्चों, दिस ऑल वर्ड इज कॉल आउटस्टैंडिंग, रिमेंबर बच्चों। ओके, अब बच्चों इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है देखते बच्चों। आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर बच्चों, कभी भी याद रखना बच्चों, आउटस्टैंडिंग, क्योंकि अपने दो ईयर आने वाले बच्चों, लास्ट ईयर और करंट ईयर, तो आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर बच्चों ऐड करते बच्चों लोग, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर बच्चों ऐड, एंड आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर बच्चों लेस, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर बच्चों ऐड एंड आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर बच्चों लेस करेंगे बच्चों, ये ध्यान रखना है। आउटस्टैंडिंग अगर दिया जाएगा ऑफ करंट ईयर बच्चों वी विल ऐड, आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर बच्चों वी विल लेस बच्चों। ठीक है बच्चों, देन बच्चों प्रीपेड, एडवांस पेड, प्री रिसीव्ड। तो प्रीपेड, एडवांस पेड और प्री रिसीव्ड बच्चों, तो प्रीपेड में बच्चों करंट ईयर, करंट ईयर प्रीपेड लेस, तो लास्ट ईयर प्रीपेड ऐड। ये बहुत कोड वर्ड है बच्चों, बहुत ध्यान रखना है। आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर ऐड, तो आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर बच्चों लेस। ये देखो बच्चों करंट ईयर मतलब फाइनल अकाउंट का, तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग हम लोग क्या करते हैं बच्चों ऐड, तो ऐड, तो करंट ईयर अगर ऐड करें तो लास्ट ईयर क्या करें बच्चों लेस। प्रीपेड करंट ईयर बच्चों लेस, तो लास्ट ईयर प्रीपेड क्या करते बच्चों ऐड। ओके बच्चों, तो कोड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर ऐड, आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर लेस, प्रीपेड ऑफ करंट ईयर लेस, तो प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर बच्चों ऐड। ओके बच्चों, तो कोड वर्ड ध्यान रखना है। चलो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों सम का। पहला बच्चों सब्सक्रिप्शन, क्यों जो सब्सक्रिप्शन, मैंने बच्चों सब्सक्रिप्शन क्या था, मेंबरशिप फीस था ना, कहाँ लिखते बच्चों इसको हम लोग, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम साइड बच्चों। हाँ, सब्सक्रिप्शन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सा साइड लिखते बच्चों हम लोग, इनकम साइड लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो जब हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ड्रॉ करें बच्चों, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये था अपना एक्सपेंडिचर और ये अपना इनकम बच्चों, कहाँ लिखने बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन बच्चों। ठीक बच्चों, अब एक क्या पैटर्न है बच्चों, मैंने फोर लाइन लिखा बच्चों, एग्ज़ाम में जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में चार लाइन रहेगा बच्चों, बड़े मैक्सिमम रहेगा बच्चों। क्या देखो बच्चों, ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, अभी मैंने कुछ लिखा था बच्चों, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं और लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग लेस करते हैं बच्चों, तो ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर बच्चों, तो लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे बच्चों हम लोग लेस, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग लेस। ठीक है बच्चों, सेम करंट ईयर का एडवांस लेस, तो लास्ट ईयर का एडवांस क्या करेंगे बच्चों हम लोग ऐड। सब्सक्रिप्शन बच्चों करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करना है उसके अंदर, तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस, करंट ईयर एडवांस लेस करेंगे बच्चों, तो लास्ट ईयर का एडवांस क्या करेंगे बच्चों हम लोग ऐड। ठीक है बच्चों, तो एडजस्टमेंट में दिया रहेगा बच्चों करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन, तो हमने उसको क्या करना है ऐड, तो जब करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड करना है बच्चों, अगर लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग रहा तो बच्चों लेस करेंगे, करंट ईयर एडवांस क्या करना है बच्चों लेस, तो लास्ट ईयर का एडवांस क्या करना है बच्चों ऐड। ओके बच्चों, तो पहले सब्सक्रिप्शन में ऐड लेस होगा बच्चों, दैट इज द फर्स्ट इफेक्ट बच्चों, ये पहला इफेक्ट होता है इधर पर। इसका सेकेंड इफेक्ट बच्चों, सेकेंड इफेक्ट,
अब इसका सेकेंड इफेक्ट कैसे डालना है बच्चों, सब्सक्रिप्शन क्या बच्चों, इनकम है, ध्यान रखना है, आउटस्टैंडिंग इनकम बच्चों, फाइनल अकाउंट में याद करो बच्चों आउटस्टैंडिंग इनकम क्या करते थे, फाइनल अकाउंट में आउटस्टैंडिंग इनकम प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में ऐड करते थे और बैलेंस शीट असेट साइड ना, ओके बच्चों, यहाँ पे भी ऐसे करेंगे। एक करंट ईयर है बच्चों, करंट ईयर मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट, लास्ट ईयर मतलब ओपनिंग, तो इसका इफेक्ट बच्चों सेकेंड इफेक्ट होता है क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड। इसका मतलब बच्चों कैसा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर एड एंड देन क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड, तो आप कैसे रीड कर सकते हो बच्चों, यू कैन टेक दिस इज द फर्स्ट। मैं बोलूँगा बच्चों आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर एड टू द सब्सक्रिप्शन एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड, ओके बच्चों। दूसरा एडजस्टमेंट क्या हो गया बच्चों, लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर बच्चों, तो क्या करें हम लोग लेस एंड देन बच्चों ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड। करंट ईयर रहेगा तो क्लोजिंग में जाएगा बच्चों, लास्ट ईयर रहा तो ओपनिंग में जाएगा बच्चों। करंट ईयर एनी आइटम बच्चों विल बी गो टू क्लोजिंग, लास्ट ईयर कुछ भी जाएगा बच्चों तो ओपनिंग में जाएगा करना। तीसरा एडजस्टमेंट बच्चों एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर बच्चों क्या करें हम लोग लेस, एंड इसका सेकेंड इफेक्ट बच्चों क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, ऐसा बच्चों। एंड द फोर्थ एडजस्टमेंट बच्चों एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर बच्चों, एडवांस सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर एड और देन क्या आएगा बच्चों लास्ट ईयर बच्चों, तो ओपनिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। तो दिस इज बच्चों इस तरह से है, मैंने इसको इस तरह से लिखा बच्चों, बिकॉज वो अपने को प्रेजेंट भी करना है बच्चों, सब्सक्रिप्शन में करंट ईयर आउटस्टैंडिंग एड फिर लास्ट आउटस्टैंडिंग लेस, करंट ईयर एडवांस लेस लास्ट एडवांस एड, ऐसा है बच्चों। आप क्या करोगे बच्चों, ये 1 2 3 4 एडजस्टमेंट है, आई विल से यू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर, तो आप क्या बोलोगे बच्चों आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर क्या बोलना है, ऐड टू द सब्सक्रिप्शन बच्चों एंड देन क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड बच्चों। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट है बच्चों लेस एंड ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड। एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट बच्चों, एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर क्या है बच्चों लेस एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। एडवांस सब्सक्रिप्शन लास्ट है बच्चों क्या करेंगे हम लोग ऐड एंड ओपनिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, ठीक है बच्चों। अगर जिसको इसमें नहीं समझा रहेगा बच्चों तो आप ऐसा कर सकते हो, उसको मैं अभी और फोर एडजस्टमेंट बन जाएगा वो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर बच्चों, तो फर्स्ट इफेक्ट क्या आएगा बच्चों ऐड टू सब्सक्रिप्शन, ऐड टू सब्सक्रिप्शन, और बी पॉइंट बच्चों क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड, ठीक है बच्चों। देखो ये ऐड टू सब, देखो ऐड हुआ बच्चों इसके अंदर एंड देन क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड बच्चों। सेकेंड एडजस्टमेंट बच्चों आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर बच्चों, तो क्या आएगा इफेक्ट बच्चों लास्ट ईयर क्या बच्चों लेस, लेस टू सब्सक्रिप्शन, और सेकेंड इफेक्ट बच्चों ओपनिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, अच्छा ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड, क्यों बच्चों आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर एड टू द सब्सक्रिप्शन एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर बच्चों जैसे आ रहा ना करंट ईयर आया ना तो क्लोजिंग में, लास्ट ईयर तो ओपनिंग, इतना रखने का तो लेस करना बच्चों एंड ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड, ठीक है बच्चों। तीसरा एडजस्टमेंट बच्चों एडवांस, एडवांस सब्सक्रिप्शन
ऑफ करंट ईयर, एडवांस पूछो एडवांस इनकम लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन एंड सेकेंड फिर पूछो क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, एडवांस इनकम मिल गो लायबिलिटी साइड पूछो, फोर्थ एडजस्टमेंट पूछो एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर, ये दोनों का कॉम्बिनेशन देखो बच्चों, करंट ईयर का था तो ऐड हुआ था, लास्ट ईयर का तो लेस किए, बस ये बताओ बच्चों एडवांस ऑफ करंट ईयर तो लेस किए तो एडवांस ऑफ लास्ट ईयर तो क्या करेंगे ऐड, ऐड टू सब्सक्रिप्शन बच्चों, एंड बी लास्ट ईयर बच्चों कहाँ लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड बस बच्चों। तो याद रखना बच्चों लास्ट डे का कुछ भी रहा तो ओपनिंग में डालना है, करंट डे का कुछ भी रहा तो क्लोजिंग में डालना है बच्चों। ओके बच्चों तो आज हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे बच्चों, इसको आप लोग अच्छे से समझोगे देखोगे ओके, और कुछ डाउट होता बताना।